कांग्रेस नेता नाना पटोले निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अब तक की राज्य विधानसभा की परंपरा के मुताबिक उन्हें निर्विरोध चुना गया है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने उन्हें संयुक्त रूप से स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले भाजपा ने उनके खिलाफ किशन कठोरे को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। हालांकि चुनाव से पहले भाजपा ने उनके नाम को वापस ले लिया। पटोले विदर्भ में साकोली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कठोरे ठाणे में मुरबाड से विधायक हैं। ये दोनों का विधायक के तौर पर चौथा कार्यकाल है। कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, भाजपा ने कल कठोरी को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकित किया था, लेकिन कई बार अनुरोध किए जाने के बाद हमने कठोरी की उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।